भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष और अन्य सभी पदाधिकारीगण, अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण श्री संजय अग्रवाल जी और उपस्थित भाइयों बहनों, माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से लखनऊ के विकास से जुड़ी हुई योजनाओं का अभी यहां पर शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। साथ ही साथ प्रदेश के उन प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के गांव और मोहल्लों को जोड़ने वाली सड़कों के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आप सभी नागरिकों को और साथ ही साथ प्रदेश के उन सभी प्रतिभाशाली छात्रों को जिनके गांवों को जोड़ने और जिनके मोहल्लों को जोड़ने वाली सड़क का आज यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, उन सबको हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि 19 मार्च 2017 को जब हम लोगों ने प्रदेश की सरकार का दायित्व संभाला था, उस समय प्रदेश के अंदर 1,23,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें गड्ढों में बदली थी। प्रदेश की पहचान गड्ढा युक्त सड़कों के कारण था। प्रदेश में या तो सड़कें गड्ढों में बदली थी या फिर प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की दुर्व्यवस्था के कारण अंधेरा छाया हुआ था या गुंडागर्दी, अराजकता और दंगे उत्तर प्रदेश की पहचान थी। आज आप सबकी स्वेच्छा से, आप सबके सहयोग से प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित करने, प्रदेश के अंदर गड्ढा मुक्ति सड़कों और सड़कों के नवीनीकरण के कार्य को आगे बढ़ाने और साथ ही साथ पूरे प्रदेश के अंदर विद्युत की दुर्व्यवस्था को समाप्त करके एक समान विद्युत वितरण की व्यवस्था को सफलतापूर्वक संचालित करने के साथ साथ हर क्षेत्र में हम लोगों ने कार्य करने का प्रयास किया। माननीय गृह मंत्री जी ने यहां विस्तार से इन सभी परियोजनाओं के बारे में बताया कि लखनऊ, हम सब की इच्छा है कि देश के सबसे बड़े राज्य की राजधानी लखनऊ है, तो लखनऊ देश के सबसे बड़े, सबसे सुंदर, सबसे व्यवस्थित शहर के रूप में लखनऊ की पहचान बने और इसके लिए भारत सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी तो अपना पूरा योगदान दे ही रहे हैं, लेकिन हम सब इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि राजधानी के